इसके लिए बात हो गई है, कैबिनेट में बात आएगी और वो करने के बाद एक राजगीर में होने जा रहा है राष्ट्रीय आयुर्वेद पर्व है, तो उस दिन भी सारी बात हम लोग रखें। इसलिए आज इतना ही कहेंगे कि हम लोग विस्तार करेंगे आज इतना ही। जो बीमारियाँ हो रही हैं उसको लेकर लोगों में प्रसन्नता है कि हाँ भाई कार्रवाई करे पुलिस, लेकिन कई जगह से शिकायत निकल के आ रही है कि शादियों में जो शादी पार्टी हो रही है उसमें पुलिस अचानक पहुंच जा रही है और तलाशी लेने लग रही है, इससे आम लोगों ये ऐसी शिकायतें पुलिस को मिली है कि शादी वगैरह के भी कार्यक्रम में कुछ लोगों को दारू पिलाने का इंतजाम रहता है, तो जब पुलिस को कहीं से कोई सूचना मिल रही है तो उसके हिसाब से जा रहा, तो इसके लिए तो किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए, किसी को चिंता नहीं करनी, जब करते ही नहीं है तो क्या दिक्कत है। और बहुत अच्छा है, कहीं के बारे में पता चला होगा तो पुलिस वाले को कहा गया, किया गया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं, ये जानकारी हमको नहीं है, जो न्यूज आता है उसी को देखते हैं, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। आज भी जो आया है उसके बारे में हमारे कार्यालय से लोग पूछताछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग विषय, लेकिन ये जिम्मेवारी उन्हीं को दी गई है, प्रशासन को और पुलिस को, सबको, कि एक एक चीज़ को देखिए। और जगह जगह पर इस तरह का जो करते हैं तो हर तरह से जो शराब पीने का, शराब का उपलब्ध करने का, ये बिल्कुल गलत चीज़ है और अनैतिक है, बिल्कुल गैर कानूनी है, तो इस पर रोक लगाना है और लोगों को जागरूक करना। इस लोगों में भय पैदा हो गया, चिंता हो रही है। नहीं, भय नहीं, ये तो खुशी होगी। आप देखिएगा अभी जो इसका जो शुरू हो रहा है और जो अभियान चलेगा, आप देखिएगा कुछ समय के बाद हम लोग समय तय करके पूरा का पूरा अभियान हम लोग सब जगह विभिन्न जगहों पर जाएंगे, कम से कम 10-12 जगह पर हम लोग जा करके एक एक चीज़ पर बातचीत करेंगे लोगों के साथ, तो देखिएगा कि किस तरह से लोगों में और अवेयरनेस आएगा। तो काम तेजस्वी यादव ने कहा कि एक साल हो गए सरकार बनने को, उपलब्धियां दिख नहीं रही है, कैसे 19 लाख रोजगार देंगे, तो पूछ लीजिए ना उनसे, उन्हीं से पूछिए, आज जो कहे उसको खूब छापिए, उसको क्या मतलब है, काम से मतलब है ऐसे लोगों का, काम कितना हो रहा है आप लोगों को नहीं पता है, देखते हैं कि किस तरह से काम और कहाँ कहाँ हम लोग जानते हैं, ये हमारे जितने साथी हैं अपने अपने विभागों के लिए किस तरह से कोई एक जगह बैठे रहते हैं, कहीं कोई आराम से रहता है जी, घर के अंदर बैठा रहता है, कि सब लोग कितना ज़्यादा देखते हैं एक एक चीज़ को, और हम लोग कोई भी चीज़ को समीक्षा ही नहीं बल्कि इसके बारे में। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा, ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कांजी न्यूज़पेपर दरभंगा।